हरिद्वार में नगर निगम प्रशासन द्वारा अब गंगा घाटों की सफाई के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, जिसके ट्रायल के लिए मशीनें मंगवाई गई है। बता दें कि आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी ने हाल ही में हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त का चार्ज संभाला है, और चार्ज संभालते ही उन्होंने हरिद्वार के गंगा घाटों की साफ सफाई को बेहतर करना ही अपनी प्राथमिकताओं में बताया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में बड़े स्नान पर्वों पर गंगा के घाटों पर गंदगी का अंबार लगा होता है, जिसकी सफाई के लिए अब ऑटोमेटिक मशीनें मंगवाई जाएगी। यदि ट्रायल सफल होता है तो घाटों की सफाई मशीनों से ही करवाई जाएगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसमें एक जो मेजर इशू मुझे लग रहा है वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा मैनुअल लेबर पे डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन पे ज़्यादा निर्भरता हमारी बन रही है। इसके समाधान के लिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम ऑटोमेटिक मशीन्स को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं घाट पे, जिसमें से हमारे तीन चार ट्रायल रन्स भी हो चुके हैं। तो हम तीन चार अलग अलग मॉडल्स को टेस्ट करके देख रहे हैं, और इसमें जल्दी हम ऑटोमेटिक मशीन्स को घाटों की सफाई व्यवस्था के लिए जो है फील्ड पे उतारेंगे।